नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 3 लोगों की कार की टक्कर से मौके पर मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतकों में भाई बहन सहित बुआ की मौत हुई है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया तथा गांव में शोक व्याप्त हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा। दरअसल जनपद बिजनौर के कस्बा सिहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बगवाड़ा निवासी 16 वर्षीय गोलू पुत्र सुधीर, अपनी 17 वर्षीय बहन गुंजन व अपनी 22 वर्षीय बुआ सोनम पुत्री सुखलाल को बाइक द्वारा शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव लौट रहे थे। जब वह रात्रि लगभग 10 बजे सिहारा सहसपुर के बीच नहर के पास पहुंचे तो बैगनार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे भाई बहन सहित बुआ की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं बैगनार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा तथा कार को कब्जे में लिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया तथा गांव में शोक व्याप्त हो गया। सिहारा से अमीन अहमद की रिपोर्ट। ये थाना सिहारा के अंतर्गत कल देर रात्रि में थाना सिहारा और सहसपुर के बीच में रात्रि में एक मोटरसाइकिल और एक वैगन आर का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति गोलू, उसकी बहन गुंजन और उनकी बुआ, इनकी जो है मौके पर ही मृत्यु हो गई। यद्यपि पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। और मौके से वैगन आर को पकड़ लिया गया है और चालक भाग गया है। और इसमें एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई कराई जा रही है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई वो संपादित की जाएगी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ग्राम चौहड़वाला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर बस्ती में आ घुसा। ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए मगरमच्छ को रस्सियों से बांधकर वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को कब्जे में लिया, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दरअसल जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के ग्राम चौहड़वाला निवासी पूर्व प्रधान विष्णु सिंह, धर्मपाल सिंह, खेल सिंह, भीम सिंह, नदीम, साजिद आदि ने जानकारी देते हुए बताया कि जारत के निकट तालाब से निकलकर एक मगरमच्छ बस्ती में आ घुसा। गांव में मगरमच्छ आने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बामुश्किल उसे रस्सियों से बांधकर गांव से बाहर बाग में ले गए तथा वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंचे वन कर्मचारी जयदेव तथा सुभाष ने मगरमच्छ को कब्जे में लिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पूर्व भी तालाब से मगरमच्छ निकलकर बस्ती में घुस चुका है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने वन विभाग से आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं वन दरोगा सुनील राजौरिया का कहना है कि मगरमच्छ को कब्जे में ले लिया गया है, जिसे आज रामगंगा नदी में छोड़ा जाएगा। अफजलगढ़ से संगम चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। इसी के चलते बीती रात्रि चोरों ने कोतवाली से मात्र 500 मीटर की दूरी पर 4 दुकानों के शटर तोड़कर करीब 2 लाख की नकदी व लाखों का सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता सुबह दुकान खुलने पर लगा। दुकानदारों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। वहीं कोतवाली के समीप चोरी की घटना की सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनीता दाहिया व कोतवाली प्रभारी नरेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। वहीं मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड टीम व फिंगरप्रिंट टीम भी जांच में जुटी है। पुलिस मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। सीओ का कहना है कि जल्द घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम आपका? जावेद अहमद जी, बताएं। मेरा नाम जावेद अहमद है, रेडीमेड की दुकान है मेरी यहाँ पे। और मैं रात में ताले तोड़ के उसमें से पैसे कैश था उसमें पड़ा हुआ, वो लेके चले गए। और कपड़े थे जो जैकेटें थी बड़ी महंगी वाली, वो जैकेटें लेके चले गए। कुल कितना नुकसान हुआ? लगभग लगभग 60-70 हज़ार रुपये का हुआ। जी भैया, क्या नाम आपका? कमल जी। क्या नुकसान है आपका? नुकसान के 10-12 हज़ार का नुकसान लगा। अच्छा। लेकिन बाकी गिना नहीं है बाजार रब लिया, तोले में तोले लाना गद्दी वाला, उसमें खरीद भर के लेके मैंने तो गले के पैसे थोड़ा बहुत।
अब थोड़ा सामान खाने वाला समझ लेते हैं। आपके यहाँ पहले भी हुई चोरी कभी? हाँ जी हाँ, दो दो हो चुकी पहले। दो दो पहले भी हो चुकी? कुछ पता लगा आज तक किसी का? कुछ नहीं। अब कैसे हुई है? अब ताले टूटा ही पता नहीं चला, सब डाले क्या करा था। अच्छा, शटर के ताले पहले दे दिया आपने? हाँ जी। क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम इमामुद्दीन है, ग्राम रामनगर, तहसील ठाकुर द्वारा से मैं आता हूँ दुकान पर। और ये हमारी दुकान है, शिफा जनरल स्टोर हमारी दुकान का नाम है जी। इसमें सर मैं अनुज ट्रेडिंग कंपनी को कल 184,000 रुपए लगा था, वो मैंने गल्ले में रख रखे थे पीएनबी की पूरी डिटेल भर के, जिसमें की 184,000 रुपए मेरे नगद चले गए और 25-30,000 रुपए के समथिंग मेरे शैम्पू चले गए, हेड एंड शोल्डर, पेंटिंग, पंप बड़े बड़े। ये मेरी दुकान की चोरी हुई, मुझे फारूक बर्तन की द्वारा सूचना मिली, मैंने आकर के देखा दुकान पर, तो दुकान पे मैंने देखा तो शटर टूटा पड़ा था, यहाँ से सब चोरी हुई पड़ी थी सामान। किस समय का मामला है ये? मुझे मॉर्निंग में खबर मिली, लगभग रात की सूचना है, 11-12 के समथिंग। आपको सुबह बताया? जी मुझे सुबह मॉर्निंग में बताया गया, 6:30 बजे के समथिंग, 6:30-5 बजे की। तो तहरीर दे दी आपने पुलिस को? जी सर मैंने तहरीर दे दी थाने में, सीओ साहब भी आए थे, उन्होंने अपनी सूचना लिखी और उन्होंने अपना मौके पर आकर चेक करा। ठीक। हाँ, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन जी। और मैं रहने वाला भोजपुरी का हूँ। अच्छा। मेरी दुकान से 1.5 लाख रुपए का माल चोरी हुआ है, 5,000 कैश गया है, उसमें जींस है, जैकेट, हुड, जर्सी वगैरह ये सब सामान गया है, जो महंगी आइटम है थी वो सब उठा कर ले गए, बाकी कचरे का सामान छोड़ कर चले गए, जो अच्छा अच्छा सामान था। तो ये क्या ताले तोड़े हैं या क्या हुआ है? सर ये ताले तोड़े गए हैं। अच्छा जी जी। और आपके यहाँ मेरे ख्याल से कैमरे भी लगे हुए हैं? कैमरे जो अगले दुकानदार के यहाँ पे लगे हुए हैं, वो चेक करेंगे और पता चलेगा जैसे भी होता है। और इस लाइन में और किसी में थोड़ी है? एक इस लाइन में, एक पीछे है, पीछे भी टूटे। कितनी दुकानों में हुई कुल चोरी रात? तीन दुकानों की चोरी हुई है इस मार्केट में।